बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। देखो भाई जन्नत, इट्स कॉल्ड जन्नत भाई। और यहाँ पे भाई चंद्रशिला के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं भाई। हाय चंद्रशिला होके आयो? हाँ। तो कैसा है वहाँ पे? बहुत अच्छा। कैसा लगा? अरे देखो ये शॉर्टकट बिल्कुल चढ़ाई चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी, क्यों भाई ये और ज्यादा वैसे टप पड़ेगी हमें, लेकिन कोई नहीं, एडवेंचर इसी कहते हैं भाई। टुंगनाथ से आ रहे ब्रो? टुंगनाथ से आ रहे। कब चढ़े थे आप? सुबह 5 बजे पहुंच गए थे। अरे अब आ गए वहाँ? वहाँ भी गए थे चंद्रशिला? वहाँ गए थे। स्नोफॉल हो रही है क्या? बर्फ कितनी है? जय भोलेनाथ। आज की वीडियो चालू होती है दोस्तों भोलेनाथ के नाम से, क्योंकि आज निकले हम टुंगनाथ ट्रैक के लिए। और ये देखो भाई टुंगनाथ ट्रैक का मंदिर स्टार्ट यहाँ से होता है, और यहाँ भाई जोड़ते हाथ जय भोलेनाथ। तो निकल चुके आगे के लिए, और ये देखो भाई कुछ यहाँ का स्टार्टिंग का व्यू, जहाँ पे आपको होटल रेंट पे गाड़ियाँ सब कुछ आपको मिल सकते हैं। और ये सामने भाई ब्रास के फूल और पिंक और रेड, जिनका भाई जूस निकलता है। और ये देखो भाई, तो यहाँ से निकलते हैं। कुछ यहाँ पे है QR कोड लगा हुआ है, सामग्री का बोतल दे मिलने पर 100 रुपये का जुर्माना जाएगा, देख रहे हो। तो निकलते यार आगे के लिए, और यहाँ पे देखो यात्री सामने से आते हुए भाई, तो मिलते आगे। चाय पियोगे? चलो आप आओगे तो भाई अपने चाय कॉफ़ी पी सकते हो, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो अंकल की चाय पी रहे हैं। ये देखो बढ़िया, और ओके, और ये डाले भाई इसमें दूध। ओहो हो हो हो, ये देखिए अपनी चाय आ चुकी है, गरम गरम चाय जो अंकल जी ने बनाई है, स्वादिष्ट। और पहली सिप लेते हैं यार भोलेनाथ के नाम पर। जय भोलेनाथ। और देखे दोस्तों यहाँ से लोग ऊपर जा रहे ट्रैक करने के लिए। तो दोस्तों ये देखे यहाँ पे होती भाई एंट्री, आप एंट्री करा सकते हैं। और थोड़ी सी आगे चले और फकरा चढ़ने लगा है। तो ये देखिए कुछ यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू, और ये देखो यहाँ पे सामने स्नो पिक्स। और ऊपर चलते यार टुंगनाथ मंदिर के लिए, 4 किलोमीटर की ट्रैक है उसके ऊपर अपना चंद्रशिला। और ये देखो भाई भीड़ कितना लंबा ट्रैक है भाई। तो गाइस ये देखिए पर्ची कट चुकी है 100 रुपीज़ की, 200 के काट रहे थे लेकिन रिक्वेस्ट करने पर 100 की काटी है। तो चलते आगे यार। तो देखिए गाइस ट्रैक ऊपर जा रहे हैं, और ये देखो कुछ रास्ता जो यहाँ की खूबसूरती है वो इन ब्रास के फूलों के साथ बड़ी अल्टीमेट और सुंदर लग रही है यार। तो चलते यार आगे, अभी लगभग 1/2 किलोमीटर ट्रैक किया है, अभी 3.5 किलोमीटर चलना है। ये कुछ ट्रैक है भाई टुंगनाथ का। तो दोस्तों देखो भाई पूरा बर्फों से ढका हुआ है यार, ये देखो पूरे सारे पिक्स। और ये देखो भाई जन्नत, इट्स कॉल्ड जन्नत भाई। और यहाँ पे भाई चंद्रशिला के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं भाई। 4000 फीट की हाइट पर है जहाँ पे हम ऊपर ट्रैक करने जा रहे हैं, और 4 किलोमीटर की यात्रा है ये टुंगनाथ तक, उसके ऊपर 2 किलोमीटर चंद्रशिला। तो लमसम अभी हमने 1.5 किलोमीटर की ट्रैक कर लिया है, और ये देखो भाई क्या बात है। गुजरात से जो ट्रैक कर रहे हैं, क्या नाम भाई आपका? कश्यप। भाई कैसा लग रहा है ट्रैक करके? बहुत मजा आ रहा है। अभी 2 किलोमीटर चढ़े हैं, 2 किलोमीटर बाकी है। और भाई अगर आप पहाड़ी नहीं हो ना यार, अगर आप पहाड़ी नहीं हो ना तो भाई स्टिक का यूज करके आए, अदरवाइज हालत खराब हो जाए, क्यों भाई?
और देखो भाई नीचे थोड़ी थोड़ी बर्फ मिल गई है, स्टार्टिंग हो चुकी है बर्फ की, देख रहे हो देख रहे हो भाई बर्फ की स्टार्टिंग हो चुकी है। और सामने भाई स्नो पीक्स, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यार, क्या बात है। चलते यार आगे, हमने भी स्टिक का यूज किया हुआ यार, चलो निकलते यार आगे। अभी 2 किलोमीटर ट्रैक और करना है, 2 किलोमीटर चढ़ चुके हैं, चलो। तो दोस्तों हमने भाई वहाँ से यहाँ से ऊपर ऊपर जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और हमने पकड़ा भाई ये शॉर्टकट यहाँ से झाड़ी झाड़ी ऊपर जाते हुए। कम से कम वो अगर इस रास्ते जाएंगे ना तो आधा किलोमीटर का ट्रैक हमारा बच सकता है, क्योंकि एक लोकल भाई ने बताया कि यहाँ से चले जाओ लेकिन रुकते हुए जाना, ताकि आराम से कवर कर पाओ और आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, प्लस आपका आधा किलोमीटर बच भी जाएगा। क्यों भाई जी? और हम दोनों भाई इसलिए इसी ट्रैक पर निकल चुके हैं ताकि जल्दी भी पहुँचे और भाई ज़्यादा कवर ना कर पाए रास्ता, जल्दी पहुंच पाए। और यहाँ की ब्यूटी भाई कितनी खूबसूरत लगे यार, सामने स्नो पीक्स दिखते हुए, बर्फ़ से ढके हुए पूरे पहाड़। तो ये देखो भाई पूरा बर्फ़ से ढका हुआ ये वाला, तो ये देखो। तो पहुंचते यार ऊपर, चले भाई चलो। काफ़ी देर हो चुकी है बैठे बैठे रेस्ट के लिए, यहाँ से शॉर्टकट लेते हैं। अरे देखो ये शॉर्टकट बिल्कुल चढ़ाई है बिल्कुल खड़ी, क्यों भाई ये और ज़्यादा वैसे टप पड़ेगी हमें, लेकिन कोई नहीं, एडवेंचर इसी कहते हैं भाई, एडवेंचर से भरपूर करने निकले हैं। अरे देखो छोटे छोटे बर्फ के मिल लिया पड़ी हुई। तुम ना चाह रहे ब्रो? तुम ना चाह रहे? कब चढ़े थे आप? सुबह 5 बजे पहुंच गए थे। अरे अब आ गए वहाँ? अब आ गए, वहाँ भी गए थे चंचला? वहाँ गए थे। स्नोफॉल हो रही है क्या? बर्फ कितनी है? बहुत है, स्लिपिंग बहुत ज्यादा है। है? ओहो, चलो भाई क्या नाम है आपका? आकाश। कहाँ से? मेरठ। अरे भाई ये तो अपने यूपी के मिल गए यार, मैं नोएडा से हूँ। अच्छा हाँ, मेरठ में कहाँ से? मेरठ में कंकरखेड़ा। अच्छा चलो, अपने भाई मिल गए यूपी से। तो अब मेरठ साइड में उधर पोल कब से है? अभी नहीं पता, मैं तो देहरादून हूँ ना 1 साल से। अच्छा देहरादून नहीं रह रहे हो? चलो भाई मिलते, बाय बाय, टेक केयर। तो भाई, तो भाई सुबह 5 बजे चढ़ा था भाई ट्रैक के लिए, और अब करके आ चुका है, और हम चलते यार चंद्रशिला के लिए। बता रहे स्नो काफ़ी पड़ी हुई है और फिसलन बहुत ज़्यादा है, देखते हैं क्या हाल होता है भाई हमारा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ रहेगा चंद्रशिला का ट्रैक। और यहाँ की खूबसूरती देखो यार, कितनी ब्यूटीफुल है भाई, अमेजिंग यार। चलो आगे चलते यार। दोस्तों ये देखिए अपना पैक बन चुका है, और भाई लोगों ने दिया, भाई लोग हैं दिल्ली से, भाई भी पैक करते जा रहे हैं। तो निकलते यार आगे की साइड, और बता दो यार ये पैक नहीं है, यह आपका जो ब्राज का फूल होता है ना उसका जूस होता है, जो इस कलर का होता है। तो चलते यहाँ से आगे के लिए, लमसम 1 किलोमीटर आगे ट्रैक होगा, चलते भाई आगे। हाय चंचला, हो के आए हो? हाँ। तो कैसा है वहाँ पे? बहुत अच्छा। कैसा लगा? बहुत अच्छा है, मतलब okay. सुबह है उसका मजा। किस टाइम निकलता आप सुबह? मतलब 6 बजे तक पहुँचना चाहिए। ओके तो दोस्तों ये सुबह निकले थे 6 बजे, और अभी हो रहा है 10, तो सुबह 6 बजे या 10 बजे ट्रैक करके निकल चुके हैं चंचला का। तो निकलते यार आगे, सामने देखो भाई ऊपर टॉप पीक पर ये है टुंगनाथ का मंदिर। तो पहुँचते भाई ऊपर, ये सामने टुंगनाथ ऊपर। बम बम बोले
बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले।